मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गंजबासुता तहसील के नज़दीक ग्राम सकरोली स्थित है। 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और 3 विधानसभाओं के बीच फंसा ये गांव 2 लोकसभाओं का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी यहां विकास कोसों दूर है। सकरोली के ग्रामीणों ने आखिर परेशान होकर अपने घरों पर बैनर टांगना उचित समझा और लिख दिया, सड़क और पुलिया नहीं तो वोट नहीं। मीडिया की टीम जब इस गाँव में पहुंची तो ग्रामीणों से रूबरू हुए, सड़क न होने के कारण, नदी और पुल पर न होने के कारण हमको काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा। हमको अपना वाहन नदी के इस पार रखना पड़ा, तब हम गाँव में पहुंचे। ग्रामीण का सीधा आरोप है कि उन्होंने चुनाव के बाद विधायक को नहीं देखा, ना ही आज तक सांसद को देखा है। ये गांव गंजवासुदा विधानसभा, कुरवाई विधानसभा और शमशाबाद विधानसभा के बीचों बीच में है। इस गांव के ग्रामीण काफी नाराज है। वहीं सागर लोकसभा और विदिशा लोकसभा के बीच में पड़ता है। इसका विधानसभा क्षेत्र कुरवाई है और लोकसभा क्षेत्र सागर है और जनपद गंजवासुदा लगती है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने आते, इसके बाद कभी हमारे पास नहीं आए। कई लोग तो विधायक को तक नहीं जानते। करीब 25 साल तक इस गांव में नदी के ऊपर पुल ना होने के कारण वह काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। डिलीवरी हो या कोई बीमार हो, कोई आवश्यक सामान ले जाना हो, बड़ी परेशानी के साथ निकलते हैं। यहां तक कि करीब 25 साल से उनके लड़के लड़कियों के संबंध भी नहीं हो पा रहे, जिस कारण से उनको वहां बाहर जाना सदियों तक महंगा पड़ता है। गाँव के सरपंच ने कहा कि वह कई बार लिखित रूप से शासन प्रशासन को आवेदन दे चुके, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार का विकास कहाँ पर है। देखिए, कैमरामैन विकास के साथ मुकेश तिवारी की खबर, SS के लिए गंजबासुदा विधानसभा क्षेत्र से एक रिपोर्ट।